हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस स्टडी वीडियोस। अक्टूबर के थर्ड वीक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का स्वर्ण पदक जीता है सिक्किम ने जीत लिया है। सिक्किम ऐसा पहला राज्य भी बन गया है पूर्ण रूप से जो जैविक खेती करता है, तो ये भी आप याद रखिए। और सिक्किम से इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ है, सिक्किम एक कई बार एग्जाम्स में दे देता है कि सिक्किम में काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, तो ये एक सींग गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है, तो इसको भी याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में संस्कृत कोर्स को ऑनलाइन शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? तो संस्कृत कोर्स को ऑनलाइन शुरू करने वाला JNU विश्वविद्यालय बन गया है, जो कि पहला विश्वविद्यालय बना है। अच्छा, क्यों ये ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहा है? क्योंकि संस्कृत स्टूडेंट 2% से भी कम वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, इस वजह से वहाँ के एडमिन ने सोचा है कि अब इसको ऑनलाइन स्टडी शुरू करवाई जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में वायु प्रदूषण का मुकाबला करने के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान कहाँ लागू किया गया? तो ये दिल्ली NCR में लागू किया गया। दिवाली के बाद के हफ्तों में इतने बुरी तरीके से वायु प्रदूषण हो जाता है वहाँ पे कि वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, इसलिए वहाँ पे GRAP ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान को वहाँ लागू किया गया दिल्ली NCR में, जिससे प्रदूषण कम हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया गया है 15 अक्टूबर को। एक और महिला किसान दिवस से याद आया कि किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को, चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन के दिवस के उपलक्ष्य में किसान दिवस को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में 6वां अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला कहाँ आयोजित होगा? तो छठवां अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला आयोजित होगा नई दिल्ली में। अच्छा, रेशम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो रेशम के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है और पहले पर है चाइना। और अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेला का उद्घाटन किसने किया है? स्मृति ईरानी ने किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में एशियाई पैरा खेल 2018 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत रहा है 9वें स्थान पर, 72 मेडल के साथ भारत रहा है 9वें स्थान पर, जिसमें 72 मेडल्स में भारत ने 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पहले पर है चाइना जो कि 319 मेडल जीता है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है नई दिल्ली में, यानी जितने प्रधानमंत्री भारत के अभी तक बने हैं उन सब पे संग्रहालय बन रहा है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जल्द ही नोकिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो नोकिया ने आलिया भट्ट को ब्रांड एम्बेसडर अपना बनाया है। इसके पहले परिणीति चोपड़ा थी नोकिया की ब्रांड एम्बेसडर, अब बन गई हैं आलिया भट्ट। और नोकिया के बारे में, नोकिया कहाँ कंपनी है? नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। नोकिया की स्थापना हुई थी 1865 में और प्रेजेंट टाइम के नोकिया के CEO हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजीव सूरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में 2018 का मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो 2018 का मैन बुकर पुरस्कार जीता है एन्ना बर्न्स ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मैन बुकर पुरस्कार वाला, इसको याद रखिए। और ये किसके नोवेल के लिए मिला है इनको? मिल्क मैन नाम के नोवेल के लिए एन्ना बर्न्स को मैन बुकर पुरस्कार 2018 का मिला। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में WEF के प्रतिस्पर्धी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो WEF के प्रतिस्पर्धी सूचकांक में भारत रहा है 58वें स्थान पर। अच्छा, ये WEF क्या है? यह है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो कम्पिटिटिव इंडेक्स यानी प्रतिस्पर्धी सूचकांक निकाला है उसमें 58वें नंबर पर है भारत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अभी जल्द ही फूल पत्ती उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो फूल पत्ती उत्सव मनाया गया अभी जल्द ही नेपाल में मनाया गया। ये जो उत्सव होता है ये नवरात्र के 7वें दिन मनाया जाता है। तो ठीक है, नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल के इस समय प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं खड़न प्रसाद शर्मा यानी KP शर्मा ओली हैं। और नेपाल से एक और जुड़ी खबर है, अभी नेपाल के हाल ही में चीफ जस्टिस बने हैं एक नए, तो उनका नाम भी याद करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स में दे सकता है। तो वहाँ के नेपाल के हाल ही के जल्द के चीफ जस्टिस बने हैं OP मिश्रा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी ATM कहाँ खोला गया?
तो भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी एटीएम खोला गया है, बेंगलुरु में खोला गया। अच्छा, ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है? क्रिप्टो करेंसी होता है वर्चुअल करेंसी होता है, यानी ये इंटरनेट पर ही एग्जिस्ट करता है, इसकी असलियत में कोई वैल्यू नहीं है। अभी आप लोग हाल ही में बिटकॉइन का नाम सुना होगा, तो बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किसे GI टैग प्रदान किया गया है? तो GI टैग किसे प्रदान किया गया? मुजफ्फरपुर यानी बिहार में है, मुजफ्फरपुर जिला, वहाँ पर लीची बहुत ज़्यादा पैदावार होती है, तो मुजफ्फरपुर की लीची को GI टैग मिला है। अच्छा, GI टैग क्या है ये? GI टैग यानी किसी एक पार्टिकुलर जगह पे, वहाँ पे कुछ अगर कुछ खास चीज़ अगर वहाँ पे हो रहा है, पैदा हो रहा है, तो उसको GI टैग प्रदान किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, यानी GI टैग मिल गया। अभी कुछ दिन पहले अल्फांसो ओम को मिला था GI टैग, जो कि महाराष्ट्र में के नज़दीक में, महाराष्ट्र एक ज़िला है, वहाँ पर अल्फांसो ओम को GI टैग मिला था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में देश का पहला धुआं मुक्त राज्य कौन सा बनने जा रहा है? तो देश का पहला धुआं मुक्त राज्य बनने जा रहा है केरल। अच्छा, क्यों बनने जा रहा है? क्योंकि केरल ही देश का पहला राज्य हो जाएगा जो कि 100% LPG कनेक्शन वाला हो जाएगा, यानी यहाँ के हर घर को LPG कनेक्शन 100% लोगों को मिल रहा है। अच्छा, केरला से एक और चीज़ है कि केरला में शांत घाटी है, जो कि एग्जाम में पूछ लेता है, शांत घाटी और फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स है, कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में, और शांत घाटी है केरल में। तो ये एग्जाम्स में दे ही देता है, साइलेंट वैली केरल में। केरल के CM जान लेते हैं, केरल के CM है PVijayan। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अपने आगे क्वेश्चन पे 15 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडो जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन 2018 कहाँ आयोजित होगा? तो याद रख लीजिए, जापान और भारत का जो होने वाला सैन्य अभ्यास, उसका नाम है धर्म गार्डियन। तो ये किस कहाँ पे होने वाला है? ये कहाँ आयोजित होगा? ये होगा आयोजित मिजोरम में होगा, यानी इंडिया की एक सिटी है, इंडिया की एक स्टेट है मिजोरम, तो मिजोरम स्टेट में ही इसको आयोजित किया जाना है। ठीक है, जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन, और वहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री यानी PM है शिंजो अबे। जापान से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में दे देता है कि जापान के पार्लियामेंट का नाम, जापान के संसद का नाम क्या है? तो जापान के संसद का नाम है डायट। और जापान और संसद से याद आया कि कई बार एग्जाम्स में रूस के संसद का नाम पूछ लेता है, तो रूस के भी पार्लियामेंट यानी संसद का नाम है ड्यूमा, और जापान के संसद का नाम है डायट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। भारत का सबसे विकसित गांव किसे घोषित किया गया? तो भारत का सबसे विकसित गांव कुलीगोद, या फिर से देख लेते हैं, कुलीगोद गांव है जो कि भारत का सबसे विकसित गांव घोषित किया गया। अच्छा, कुलीगोद है कहाँ? यह है कर्नाटक में है कुलीगोद गांव। आप गूगल पे देखिएगा, बहुत सुंदर गाँव हो चुका है ये, तो सबसे विकसित गाँव कुलीगोद ही है। तो कर्नाटक में है ये, तो कर्नाटक बन जा लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर, वहाँ के CM HD कुमारस्वामी, और गोद के गांव की बात है तो प्रधानमंत्री ने भी अब तक कुल 3 गांव गोद ले चुके हैं, एक जयापुर नागपुर गांव और एक गांव तीसरा ककरहिया गांव। तो 3 गांव प्रधानमंत्री मोदी ने भी गोद ले चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में भारत का पहला सुरंग रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला सुरंग रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया जाना है? ये बनाया जाना है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, और वहाँ के CM है जयराम ठाकुर, और वहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाल ही में कार्नेट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो कार्नेट पुरस्कार दिया जाएगा पीयूष गोयल को, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को कार्नेट पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा, कार्नेट पुरस्कार दिया क्यों जाता है? ऊर्जा नीति में विशिष्ट योगदान देने वालों को मिलता है कार्नेट पुरस्कार, तो ये सब लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हाल ही में काती बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो जो त्यौहार होते हैं ये एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो याद रख लीजिए, अभी हाल ही में असम में काती बिहू त्यौहार मनाया गया है, और असम की कैपिटल है दिसपुर, और वहाँ के CM है सर्बानंद सोनोवाल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने की घोषणा की? यानी GST से संबंधित जितने भी केसेस होंगे वहाँ पे लोग अपील कर सकते हैं, तो ये कहाँ किस राज्य ने स्थापित करने की सोचा है? हरियाणा ने सोचा है। ठीक है, हरियाणा के हिसार जगह पे GST अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में इसको शेयर करें, और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले आपको वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलते रहें।
और अगर आप लाइक करते हैं, हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आगे वीडियो और अच्छे से बनाएंगे। तो थैंक यू।